अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने CSS 2019 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व कर लिया था। अब आ जाते हैं CSS 2019 के क्वेश्चन नंबर 8A पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है आपका जो है एनालिटिकल एबिलिटी से। अब इसमें एक पैसेज है, पैसेज में कहा जा रहा है TUVWXYZ 7 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक पियानो रिसाइटल दिया जा रहा है। तो उसके लिए अब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में बेसिकली इट मस्ट बी अ टाइपोग्राफिकल एरर पार्ट 1 और पार्ट 2 में कन्वर्ट किया है। हालांकि ये इसमें पार्ट 1 जो है उसमें उसने गिवन कंडीशंस ही हैं और पार्ट 2 में उसने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा है। तो उसने जो कंडीशन दी है कि ये 7 स्टूडेंट्स जो पियानो रिसाइटल के लिए जा रहे हैं उसके लिए उसने कंडीशंस पहले यहाँ पे बयान की हैं। अब पहली कंडीशन है कि एक्स कैन नॉट प्ले फर्स्ट और सेकंड। दूसरी कंडीशन है डब्ल्यू कैन नॉट प्ले अंटिल एक्स हैज प्लेड। नीदर टी नॉर वाई कैन प्ले सेवेंथ। इधर वाई और जेड मस्ट प्ले इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू। वी मस्ट प्ले बिफोर और आफ्टर यू। अब यहाँ पे कंडीशन देने के बाद वो आपसे सवाल पूछ रहा है इफ वी प्लेज फर्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब उसने नीचे ऑप्शंस दिए हैं टी प्लेस सिक्स, एक्स प्लेस थर्ड, जेड प्लेस सेवेंथ, टी प्लेस वाई आफ्टर वाई, डब्ल्यू प्लेस इमीडिएटली आफ्टर एक्स। दीज आर द 5 ऑप्शंस और उनमें से आपको कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पे फोकस जो हमारा होना चाहिए दैट वुड बी मस्ट बी ट्रू कि इनमें 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हर कंडीशन में ट्रू रहेगा। अगर जो गिवन कंडीशंस के हिसाब से अगर हम उनका जो ऑर्डर असाइन करते हैं से सपोज एज पर द गिवन कंडीशंस, नाउ लेट मी ड्रॉ देयर सीक्वेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये 7 स्टूडेंट्स हैं, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो खुद ही कह रहा है वी प्लेस फर्स्ट, वी शुड कम एट फर्स्ट प्लेस। तो हमने वी को प्लेस कर दिया ऑन द फर्स्ट पोजिशन। और अगर हम लास्ट वाली कंडीशंस, अब कंडीशंस को हम पढ़ें, वी मस्ट प्ले बिफोर और आफ्टर यू। जो वी है वो यू के बाद आना चाहिए या यू से पहले आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ऑब्वियसली पहले नंबर पे वी है तो दूसरे नंबर पे आपका आएगा यू। अब नेक्स्ट में उसने कहा है कि टी और वाई जो है वो 7th नंबर पे नहीं आ सकते, बाकी जो प्लेसमेंट है वो हम कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे हम लग देते हैं एक्स। डब्ल्यू कैन नॉट प्ले अंटिल एक्स हैज प्लेड। अब एक्स से एक्स जब तक एक्स प्ले नहीं करता डब्ल्यू कैन नॉट प्ले, तो हम नेक्स्ट पे डब्ल्यू कर देते हैं। अब आपका डब्ल्यू हो गया। और जो है टी और वाई जो है वो 7th नंबर पे नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं वाई को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, टी को यहाँ पे और जेड को यहाँ पे। अब वहाँ पे एक और कंडीशन है कि इधर वाई और जेड मस्ट प्ले इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद या तो वाई आए या फिर जेड आना जरूरी है। तो यहाँ पे वाई आ गया तो ये हमारा, अब ये हमारा एक पैटर्न बन गया है जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सारे नंबर्स को स्टूडेंट्स को प्लेस कर दिया। अब हम देखते हैं ऑप्शंस इनमें से कौन से ट्रू हैं। अगर हम गौर करें टी प्लेस सेवेंथ, टी प्लेस सेवेंथ इस हिसाब से तो ये भी ट्रू हो गया। एक्स प्लेस थर्ड, एक्स प्लेस थर्ड ये भी ट्रू हो गया। जेड प्लेस सेवेंथ, जेड प्लेस सेवेंथ ये भी ट्रू। फिर टी प्लेस आफ्टर वाई, टी प्लेस आफ्टर वाई ये भी ट्रू। और लास्ट है डब्ल्यू प्लेस इमीडिएटली आफ्टर एक्स, W plays immediately after X। तो इस जो पैटर्न के हिसाब से सारे ऑप्शंस हमारे पास ट्रू आ रहे हैं। तो एग्जामिनर ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें सारे ऑप्शंस ट्रू आए। और वहां पे वो कह रहा है इफ वी प्लेस फर्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी अनदर पैटर्न। अब हम इसका दूसरा पैटर्न बनाते हैं कीपिंग दीज कंडीशंस इनटू द माइंड। अब दोबारा से हम सेम जो है वो टेबल बनाते हैं, ये फर्स्ट नंबर,
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। अच्छा जी, अब हम इनको प्लेस करने जाएंगे सेवन इन कॉलम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। दोबारा से हम प्लेस करते हैं, दैट इज वी यू। अब तीसरे नंबर पे हम एक्स को नहीं रखते, हम थोड़ा सा अल्टरनेट चेंज कर लेते हैं, टी को रख देते हैं, फिर चौथे नंबर पे एक्स को, फिर वाई को, फिर जो है हम जो है रख देते हैं, वाई को नहीं रखते, इधर हम जो है रख देते हैं वाई को रख देते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू और यहाँ पे जेड। अब इन गिवन कंडीशंस के हिसाब से कोई भी वॉयलेशन नहीं की हमने यहाँ पे। एक्स के नॉट प्ले फर्स्ट और सेकंड, एक्स इज नॉट ऑन फर्स्ट और सेकंड, डब्ल्यू के नॉट प्ले अंटिल एक्स इज प्लेड, डब्ल्यू के नॉट प्ले अंटिल एक्स इज प्लेड। तीसरी कंडीशन है नीदर टी नॉर वाई कैन प्ले सेवेंथ, टी और वाई भी सेवेंथ नंबर पे नहीं है। इधर वाई और जेड मस्ट प्ले इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, इधर वाई और जेड मस्ट इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, और वी प्लेस फर्स्ट, और ये वाली कंडीशन। अब दूसरा जो सिनेरियो, पहला वाला सिनेरियो के हिसाब से हमारे सारे ट्रू आ रहे थे, अब दूसरे सिनेरियो के हिसाब से हम देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला कंडीशन टी प्ले सिक्स, वो हमारी हो जाएगी फॉल्स। दूसरी कंडीशन एक्स प्ले थर्ड, वो भी थर्ड नहीं है, फोर्थ नंबर पे है, वो भी हमारी गलत हो गई। जेड प्ले सेवेंथ, हाँ ये अलबत्ता ट्रू है। टी प्लेज आफ्टर वाई, टी प्लेज आफ्टर वाई विच इज नॉट ट्रू, और लास्ट है डब्ल्यू प्लेज इमीडिएटली आफ्टर एक्स, डब्ल्यू प्लेज इमीडिएटली आफ्टर एक्स, नो। तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकला, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो दोनों कंडीशंस में ट्रू रहा, बाकी कंडीशंस में वो फॉल्स हो रहा है। दूसरी वाली कंडीशन में ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। पहली वाली कंडीशन के हिसाब से सारे ट्रू थे, दूसरी कंडीशन के हिसाब से एक ही ऐसी ऑप्शन है जो ट्रू है। तो लिहाजा इस हिसाब से आपका जो आंसर है, दैट इज जेड प्लेस सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, जेड प्लेस सेवेंथ मस्ट बी ट्रू इन ऑल कंडीशंस। तो दिस इज योर आंसर, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सीएसएस 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट हो गया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। ये पार्ट जो है वो रिलेटेड है सेट से। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है यूनिवर्सल सेट होल नंबर फ्रॉम 10 to 24, दूसरा है सेट ए इवन नंबर, तीसरा सेट है बी नंबर्स डिविजिबल बाय 5, और आपसे आखिर में कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि ए इंटरसेक्शन बी, तो हम डायरेक्टली भी मालूम कर सकते हैं, जब हमारे पास सेट ए है, बी है, ए इंटरसेक्शन बी, तो व्हाई ही हैज गिवन अस अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट देने का यहां पे मकसद ही यही है, टू लिमिट सेट ए और सेट बी को, ताकि इनकी बाउंड्रीज डिफाइन की जाए, कि सेट ए और बी जो है वो विद इन द लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट है। अब ये होल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 24 का मतलब क्या है, 10, 11, 12, 13 एंड अप टू 24 तक, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली सेट ए जो है वो क्या होगा, सेट ए जो होगा वो 10, 12, 14, 16 अप टू 24, क्योंकि ये सेट ऑफ इवन नंबर्स है। सिमिलरली नंबर्स डिविजिबल बाय 5, बट अगेन अपर एंड लोअर लिमिट विल रिमेन सेम। तो यहां पे क्या होगा, 10, 15, 20, अब 25 हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ये यूनिवर्सल सेट से बड़ा हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम देखें ए में 10 कॉमन है,
बाकी कोई भी ऐसे टर्म्स नहीं है जो कॉमन हो सिवाय 20 के. तो द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आर 10 एंड 20. तो ये आपका सोल्यूशन हो गया. आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा. अच्छा जी गाइज, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8A एंड 8B, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8C ऑफ CSS 2019 जनरल साइंस एंड एबिलिटी. ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है वेन डायग्राम से. यहाँ पे वो कह रहा है देर आर अमेरिकन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस. अब उसमें इसने एक डायग्राम दी है और उसके अकॉर्डिंगली उसने क्वेश्चन पूछे हैं कि अमेरिकन हु आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस विच आर साइंटिस्ट बट नॉट अमेरिकन. यहां पे साइंटिस्ट है विच आर नॉट अमेरिकन. तो अब इस वेन डायग्राम को देखते हुए आपने बताना है कि वो कौन से अमेरिकन हैं जो पॉलिटिशियंस हैं पर साइंटिस्ट नहीं है. तो पहले तो हमें इन दोनों का, अमेरिकन और पॉलिटिशियंस का, यूनियन मालूम होना चाहिए. और आपको पता है कि यूनियन में जो दो चीज़ें हैं वो ओवरलैप होती हैं, उनको हम यूनियन कहते हैं. पर उसमें साथ ही उसने कंडीशन कर दिया है बट नॉट साइंटिस्ट. तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन पी माइनस जो वो तीसरा टर्म है वो आपका ए माइनस ए. तो आप इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इसमें इसमें कवर कौन से हो रहे हैं, बी और ए, पर हमें चाहिए कौन सा, सिर्फ बी. और सिमिलरली दूसरे वाले पार्ट में वो कह रहा है पॉलिटिशियंस विच आर साइंटिस्ट बट नॉट अमेरिकन, ऐसे पॉलिटिशियंस जो साइंटिस्ट हैं पर अमेरिकन नहीं है. तो साइंटिस्ट और पॉलिटिशियंस का यूनियन, साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन का जब हम यूनियन करते हैं तो ए और एफ आते हैं, पर ए जो है वो अमेरिकन भी है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा. तो हमारे पास रह जाएगा क्या, एफ. तो ऐसा बंदा जो, तो आपके पास जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो होगा एफ. तो फाइनली हमारे पास जवाब क्या आया, अमेरिकन्स हु आर पॉलिटिशियंस बट नॉट साइंटिस्ट बी, और पॉलिटिशियंस विच आर साइंटिस्ट बट नॉट अमेरिकन्स एफ. तो दीज टू आर योर आंसर्स. ये बड़ा ही आसान सा वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था. आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम गाइस. क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी और सी पार्ट हमने सॉल्व किया था. अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट. CSS 2019 जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं. अब इस क्वेश्चन में वो एग्जामिनर कह रहा है कि देर आर 64 पैकेट्स के हर पैकेट के अंदर एक फ्री का टोकन है, और चार टोकन मिलाएंगे तो आपके पास एक फ्री पैकेट मिल जाएगा. तो 64 पैकेट्स का मतलब है 64 टोकन्स का मतलब यह है कि अगर आप चार टोकन देंगे तो आपको एक फ्री का पैकेट मिलेगा. तो टोटल फ्री पैकेट 64 के हिसाब से हमें कितने मिलेंगे, ऑब्वियसली 64 डिवाइडेड बाय 4, 16 फ्री पैकेट्स मिल जाएंगे. अब इन 16 फ्री पैकेट्स को में हर फ्री पैकेट में एक टोकन होगा. अगेन उस जो फ्री पैकेट्स है उसमें भी हमें टोकन निकलेगा, और चार टोकन्स के हिसाब से इन फ्री पैकेट्स पे भी हमें फ्री पैकेट मिलेंगे. कितने, हाउ मेनी, 4 मोर फ्री पैकेट्स. अगेन ये जो चार फ्री के पैकेट्स मिले, इन चार में भी चार टोकन होंगे, तो चार टोकन के हिसाब से फिर अगेन हमें कितने, चार के हिसाब से भी एक और अगेन एक फ्री का पैकेट मिलेगा. तो पहले हमें 16, फिर 4, फिर 1. तो इन टोटल हमें कितने फ्री पैकेट्स मिले, इन टोटल हमें फ्री पैकेट्स मिल गए 21 फ्री पैकेट्स. जो है आपका जो आंसर आना चाहिए दैट इज 21 फ्री पैकेट्स.
आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हमने 2022 का पेपर्स भी कंप्लीट सॉल्व करके YouTube पे रख दिया है, 21 का भी, 20 का भी अब हमने कंप्लीट कर लिया CSS 2019। और इसी तरह हम आगे जो कमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें 2018, 17 और 16 के पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्यूरी पूछें, और कोई आपको सजेशन देनी हो वो भी ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे कमिंग लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।